जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की वैकेंसी आई हुई थी 2020 में, ठीक है, जो कि 1522 पदों के लिए टोटल वैकेंसीज थी। अब इसके जो है फिजिकल होने हैं सबसे पहले, ठीक है, और काफ़ी समय हो चुका है इस वैकेंसी को निकले हुए। लगभग ये 2020 सितंबर में वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, और अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों के सबसे पहले फिजिकल होने हैं, उसके बाद एग्ज़ाम है। अब कब तक आप लोगों के इस भर्ती के लिए जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, या फिर आप लोगों का कब तक जो है फिजिकल का शेड्यूल जारी होगा, कब से आप लोगों के फिजिकल शुरू होंगे, इसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इस भर्ती से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो SSB कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की जो वैकेंसी का शेड्यूल था, जो फिजिकल का शेड्यूल था, ठीक है, यहाँ पर अभी तक आप लोगों के फॉर्म स्टेटस वाला भी जो है अपडेट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म फिलअप हुए हैं और फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको पता है इसमें बहुत से ऐसे फॉर्म रिजेक्ट भी होने वाले हैं, ठीक है, उसकी भी अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कौन से फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं और कौन से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रोसेस होगा और आप लोगों को ये प्रोसेस आप लोगों को जुलाई में देखने को मिल जाएगा, 10 या 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियली वो लिस्ट भी जारी कर देंगे किन लोगों का फिजिकल होना है और किन लोगों का फिजिकल नहीं होना है, ठीक। अब यहां पर ये पुराना शेड्यूल था कि आप लोगों का जुलाई में फिजिकल होना था, ठीक है, मई के समय में ये अपडेट आप लोगों को मिल जाती कि किसके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं और किसके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये लॉकडाउन के चलते ये जो है प्रोसीजर काफी लेट हो चुका है। तो अब यहां पर आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है, इस चीज को आप समझेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये वैकेंसी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग इस वैकेंसी को लेकर चिंतित नहीं होना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्द इसकी अपडेट देखने को मिलेगी। अब ये जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आप लोगों को इसका जो है फॉर्म स्टेटस का जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे कि किन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं और किन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का शेड्यूल जारी होने वाला है कि आप लोगों के फिजिकल कब से है, ठीक है, कहाँ कहाँ फिजिकल है, वो सेंटर्स को भी मेंशन किए जाएंगे कि आप लोगों को फिजिकल किस किस सेंटर में किस किस डेट को जो किया गया है। उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर कब तक आप लोगों का हो जाएगा, इसकी क्या लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ऑफिशियली वेबसाइट की, तो यहाँ पर उन्होंने अभी तक कोई इस वैकेंसी जुड़ी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि 20 अगस्त के बाद से आप लोगों की जो फिजिकल है, ठीक है, वो यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे और ये फिजिकल लगभग आपके 2 महीने चलने वाले हैं, ठीक है, मिनिमम 2 महीना इस फिजिकल को लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा जो शेड्यूल है वो 2 महीने का रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों के अगर फिजिकल 20 अगस्त के बाद से शुरू होते हैं, तो आप ये लेके चल सकते हैं कि आप लोगों का अगर 20 अगस्त को फिजिकल है तो उसके जो है 6 दिन या 8 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप लोगों का फिजिकल जब भी रहेगा उसके 8 दिन पहले यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने भी अगर फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, आप भी इंतजार कर रहे हैं इस फिजिकल का या फिर इसकी वैकेंसी इसके अपडेट का, तो आप लोगों को बहुत जल्द इसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, फिजिकल की प्रैक्टिस जारी रखिए, आपको अगस्त के जो है अंतिम सप्ताह में आप बोल सकते हो, फिर 20 अगस्त के बाद कभी भी आप लोगों को फिजिकल ये जो है जारी कर दी जाएंगी, और आप लोगों को फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों की इसके एग्जामें भी होनी है, ठीक है। तो ये एग्जामें भी आप लोगों की जो है जो 2 महीने का समय आप लोगों को फिजिकल में बीतेगा, उसके 1 महीने बाद आप लोगों को एग्जाम भी जो है ये कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों तक तो मैं पहुंचाऊंगा ही, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनएकेडमी के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, तो आप अनएकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। अनएकेडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और आप इस अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, काफ़ी कम दाम में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, तो आपको उसमें 10% तक का डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस भर्ती से जुड़ी हर अपडेट आप लोगों तक सही और सटीक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।